प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू टप्पू, तुम तो हीरो हो हीरो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें जितनी बार थैंक यू कहूँ कम है। अरे आंटी, मैंने वही किया जो मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया है, हमेशा लड़ाई करो। बापूजी, अरे टपुड़ा, मैंने तुझे लड़ाई करना कब सिखाया? अरे दादाजी, मेरा मतलब है कि सच्चाई के लिए लड़ो और किसी से मत डरो। टप्पू बेटा, हुआ क्या? हुआ तो बताओ। अरे आंटी, टप्पू आज स्कूल में राउडी राठौर बन गया था। आज स्कूल में जब इंटरवल था ना, मतलब रिसेस टाइम था ना, तभी जिया, ये केले का छिलका उस रस्सी में थ्रो करके दिखाओ। जिया को चले या देखना, फर्स्ट टाइम में ये छिलका डस्टबिन में। रॉकी, इसे तुझे कचरे का डब्बा समझकर तुझ पे कचरा फेंका। आई एम सॉरी रॉकी, गलती से हो गया। सॉरी नहीं, इस डस्टबिन का सारा कचरा तुझ पे फेंक के रहोगा। हाँ छोड़, तू डस्टबिन छोड़। रॉकी, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डस्टबिन छोड़ दे। टप्पू, मुझसे पंगा तुझे महंगा पड़ेगा। ओ रॉकी, टप्पू को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है। और हाँ, टप्पू कैंटीन में भी 10 वाली सादी सैंडविच नहीं खाता है, 15 वाली चीज सैंडविच खाता है। फिर भी मैं उस पे कचरा डाल के रहूंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे दादाजी कहते हैं कि लड़कियों को मान सम्मान देना चाहिए, और कसम से अगर तूने जिया पे कागज का एक टुकड़ा भी डाला, तेरे सिर पर हेयर पिन लगाकर पूरे स्कूल में घुमाऊंगा। समझा। रॉकी, तो हेयरपिन में बहुत खराब दिखेगा। टप्पू रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए छोड़ रहा हूं। चलो।
वाह टप्पू वाह, तूने तो घड़ा खानदान का मान बढ़ा दिया। नहीं बापूजी। हाँ तो होता किसका है? टप्पू बेटा तू हीरो है, हीरो। तुझमें बापूजी जैसे संस्कार और सुंदर मामा जैसा जोश है। शाबाश टपूड़ा, हमेशा माँ बहन बेटियों के मान की रक्षा तो करनी ही चाहिए। जब से जिया के पापा नहीं रहे तब से जिया बहुत ही सेंसिटिव हो गई है। अगर वो लड़का सचमुच सबके सामने स्कूल में जिया पर कचरा फेंकता तो जिया को बहुत ही बड़ा सदमा लगता। वो बहुत ही रोती और शायद स्कूल आना ही छोड़ देती। टप्पू तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। टप्पू मेरा कोई भाई नहीं है, इस रक्षाबंधन में तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। जिया मेरी भी कोई बहन नहीं है। अरे इस रक्षाबंधन क्या, टप्पू हर रक्षाबंधन अपनी छोटी बहन जिया से राखी बंधवाएगा। हाँ, हम भी। लो बोलो ये जिया तो कितने नसीबदार निकले, एक साथ चार चार भाई मिल गए। अरे जिया हर रक्षाबंधन में रोती रहती थी, उसका कोई भाई नहीं है, पर अब जिया हंसेगी, है ना बेटा? हाँ। अरे वाह टप्पू, इस बार तो जिया के लिए स्पेशल और पहला रक्षाबंधन होगा ना? फिर तो टप्पू अपनी बहन की फर्स्ट रक्षाबंधन एकदम स्पेशल और यादगार तरीके से मनाएगा। वाह। आंटी आप लोग कल ठीक 10 बजे यहाँ पर आ जाना। वेलकम टू रक्षाबंधन। हो मंदा, राखी मिल जाएगी, कुरियर कर दी है। हाँ हाँ बाकी सब ठीक। हाँ ये भी मजे में है ना, साड़ी को इस्त्री कर रहे। ओ, उसको पता है, उससे क्या छुपाना। भागना, अभी भी शर्माते हैं। अरे हाँ बाकी सब ठीक। हाँ चलो मैं रक्षाबंधन के दिन फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। अच्छा अरे आओ बच्चो। पेड़ा अंकल शर्माओ मत। हाँ साड़ी इस्त्री कीजिए ना। हाँ बेटे अंकल प्लीज कंटिन्यू। ये गोगोपी। गोगोपी? हाँ ये गोगी गोड़ा पिंकू। और तुम लोग मुझे मत समझो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बताओ कि यहाँ पे क्यों हल्ला बोल दिया है? भीड़ अंकल टप्पू ने एक मस्त प्लान सोचा है। वेरी गुड, तुम्हारा प्लान अप्रूव नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, जाओ बाय। अहो क्या अप्रूव नहीं होता है, पहले सुन तो लीजिए। माधवी टप्पू का प्लान है, इसीलिए कह रही हूँ एक बार सुन लीजिए। बोल टप्पू बेटा। भीड़ अंकल इस बार टप्पू सेना ने रक्षाबंधन गोकुलधाम के क्लब हाउस को सजा कर एकदम स्पेशल तरीके से मनाने का सोचा है। अरे वाह बगा। क्योंकि टप्पू की बहन की ये पहली रक्षाबंधन है। टप्पू की बहन? हाँ उसका नाम है जिया। ये कुटुंब ली? अरे आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिल्मी स्टाइल में फ्लैशबैक में लेके आता हूँ। वो उन दिनों की बात है जब स्कूल में और इस तरह टप्पू ने उसे बचाया। अरे वाह शाबाश बेटा। क्या बात है टप्पू बेटा, तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा। और आपको? मुझे भी है, मुझे भी है, शाबाश। तो भीड़ अंकल परमिशन दे दो ताकि हम भी आप पर गर्व कर सके। ठीक है मैं आज पर हम तो करम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी। खुशी खुशी आप सबको क्लब हाउस में रक्षाबंधन का प्रोग्राम करने की परमिशन देता हूँ। अभी बहुत टाइम है छोटे छोटी, बहुत टाइम है। अरे टप्पू टप्पू, अरे बेटा ऐसे घोड़े पे सवार हो ऐसे उछल क्यों रहा है? क्या हुआ टप्पू? मम्मी वो रिबिंस की बैग और बलून्स की बैग जल्दी दो। हाँ हाँ लाइ लाइ। कुरियर
यश श्री चंपकलाल गड़ा जी मैं हूँ जी आपके लिए कुरियर आया है ले लिए कुरियर टप्पू हाँ आप पानी पियेंगे नहीं नहीं ओके थैंक यू दादाजी किसने भेजा है गंगा बहन टप्पू बचाओ से मेरी बड़ी बहन गंगा बहन ने भेजा है बहू जी ये देख गंगा बहन ने रक्षाबंधन की राखी भेजी है अरे वाह बहुत अच्छी राखी है बापूजी हाँ दिखो दादाजी और बहू जी गंगा बहन ने तुझे टप्पू को और जेठा को प्यार और आशीर्वाद भेजे जी ये लीजिए दादाजी हाँ मम्मी मैं क्लब हाउस डेकोरेट करने जा रहा हूँ दादाजी इस साल की रक्षाबंधन सबसे स्पेशल रक्षाबंधन होगी शानदार होगी बाय 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 हाँ हाँ मोटी बहन आपको भी रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभेच्छाएं। चंपक मेरे वीरा भगवान तुझे और पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे हाँ हाँ मोटी बहन भगवान आपको भी हमेशा तंदुरुस्त और खुश रखे हैं। और मोटी बहन आपने जो राखी भेजी है ना वो मैं बहू से बनवा रहा हूँ दया बहू को गंगा समझकर राखी के पैसे देना हाँ हाँ दे दूंगा चलो मोटी बहन फोन रखता हूँ बाद में शांति से फोन करूंगा अपना ध्यान रखना और सुन घर में सबको मेरी याद देना जय जिनेंद्र हाँ जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र अरे उठ आज रक्षाबंधन है ना जल्दी उठ ना नहीं बोलते बेटा सुकन्या छे गंगा बहन ने कहा है ले ले क्या हुआ बहू वो बापूजी सुंदर वीरा का फोन कब से बंद है वैसे तो रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह उसके साथ फोन पे बात हो ही जाती है पता नहीं आज क्या हुआ है उसका फोन भी बंद है और वो सामने से फोन भी नहीं कर रहा है चिंता मत कर बहू सुंदर का फोन आ जाएगा दादाजी मम्मी पापा अरे आप लोग तैयार हो जल्दी क्लब हाउस में चलो मेरी बहन जिया आती होगी हाँ चलो चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी चल क्या बात है टप्पू सेना भाई वाह भाई तुम लोग अपनी उम्र से बढ़ के सोचते हो अरे जितनी हमारी कल्पना में नहीं था उससे कहीं ज्यादा बढ़ के तुमने इस क्लब हाउस को सजा दिया बहुत बढ़िया भाई शानदार बहुत अच्छे सही बात है मेरे दादा बिल्कुल सही स्पेशली स्पेशली राखी को देखो कितनी इनोवेटिव तरीके से बनाई है देखो केवड़ी मोटी है
लेकिन इतनी बड़ी रागी तो सिर्फ डॉक्टर हाथी बनवा सकते हैं। भाई दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर मैं एक खास बात करना चाहता हूँ। आप बोलिए। अरे पोपटलाल, तारीफ तो हो गई, अब क्या खास बात रह गई बाकी? अरे है भाई कुछ खास बात। कहते हैं कि आज रक्षाबंधन के पर्व पर ईश्वर बहनों की जरूर सुनता है, तो मैं पत्रकार पोपटलाल हमारी गोकुलधाम की सारी बहनों से ये खास अपील करता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर से थोड़ी और सिफारिश कर दीजिए, ताकि अगले रक्षाबंधन तक मेरी शादी हो जाए और मैं एक से दो हो जाऊं। अरे भाई जल्दी शादी कराओ इस डिब्बे की। पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हो कि नहीं? ओ पोपू की सारी प्यारी बहनों, ओ जम के कोशिश करना, वरना अगले साल भी ये अपील करेगा। सही बात है, सही बात है। अरे टप्पू के पापा कहाँ रह गए? हे भगवान, ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, अच्छी सोसाइटी, इतनी प्यारी फैमिली, एक बहन क्यों नहीं दी? सॉरी फरियाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आज सबकी बहनें आने वाली है, तो मेरा थोड़ा मन भराया। स्कूल में एक जमुना करके लड़की थी, वो मुझे राखी बांधती थी, लेकिन फिर उसके पिताजी की बदली हो गई तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। बस एक बहन के रिश्ते की कमी रह गई है। आज अगर मेरी बहन होती तो वो भी मुझे राखी बांधती। जिस तरह जीवन के लिए सांसों का बड़ा महत्व है साहब, ठीक उसी तरह से एक भाई के लिए बहन का और बहन के लिए भाई का बड़ा महत्व, और भाई बहन के लिए रक्षाबंधन के त्योहार का बड़ा महत्व है, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भाई सिर्फ बहन से राखी नहीं बंधवाता, बल्कि बहन जब राखी बांधती है तो साथ में दुआएं और प्यार भी बांधती है। हमारे जेठालाल की फरियाद क्या ईश्वर सुनेंगे? क्या कोई बहन आएगी उन्हें राखी बांधने के लिए? हाँ एक बात और, जेठालाल जिस तरह से हर रक्षाबंधन के दिन बबीता जी से राखी बंधवाने से बच जाते हैं, इस बार बचेंगे या फंसेंगे? टप्पू की बहन भी आ रही है राखी बांधने के लिए। एक वादा मैं करता हूँ, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार गोकुलधाम सोसाइटी में बिल्कुल अकल्पनीय होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह से। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अपनी अपनी बहनों से राखी बंधवाइए और देखने के लिए बैठ जाइए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.